मैं सौरभ मीना सवाई माधोपुर का रहने वाला हूँ इलेवन ट्वेल्थ में मैं यहाँ पे सीएलसी एल के हॉस्टल में रहा था नीट में मेरी अड़तीसवीं रैंक थी एस टी कैटेगरी और एम्स में मेरी सेवेंटी सिक्स रैंक थी एसटी कैटेगरी में और मैं हमारा पहला डॉक्टर बनने जा रहा हूँ मतलब इससे पहले कोई भी डॉक्टर नहीं था हमारे परिवार में टेंथ में मतलब पहले तो कोई फिक्स नहीं था पर टेंथ में मतलब जब रिजल्ट आया था तब मत, मतलब साइंस में, में मेरे हंड्रेड में से हंड्रेड मार्क्स थे तो उसके बाद घर वालों ने मेरे को बायोलॉजी दिलवा दी और उसके बाद मतलब हमारे गाँव से मतलब कहीं पढ़े हुए हैं सी में तो उनको वो सेलेक्ट हुए थे पहले तो मतलब घर वालों ने फिर सी में एडमिशन करवा दिया इलेवन ट्वेल्थ यहाँ पे रहा और फिर विद ट्वेल्थ सेलेक्ट होकर आज एस एस मेडिकल कॉलेज में हूँ टेस्ट में जितने मार्क्स आते थे उसके हिसाब से तो सलेक्शन तो लगता ही था पर मेरे को मतलब मैं सुरुशे जयपुर ही रहा था तो मेरे को मतलब एस एमएस में जाना था तो मेरी फि... मतलब शुरू से जी थी घर वालों के सामने की मेरे को एस एम एस में आना है तो एस एम एस तो मेरा फिक्स ही था मेरे को और कॉलेज को कोई सोचता ही नहीं था और मेरे को फाइनली एस एम एस मिल गया जब रिजल्ट आया था तो मामा जी को पता चला था कि रिजल्ट आ गया तो मामा जी ने रिजल्ट देखा था उसके बाद फ़ोन किया फिर घर वालों को पता चला घर वालों ने बहुत खुश हुए सब गाँव में मिठाई बाटी थी मतलब अपने सब परिवार वाले खुशी होते हैं मतलब जब कोई सेलेक्ट होता है तो मतलब बहुत बड़ी बात होती है मतलब मेडिकल में सिलेक्शन होना और एक अच्छे कॉलेज से डॉक्टर बनने वाले की बात होती है एक गाना था अपने तो अपने होते हैं उसको फील करके बहुत मतलब बहुत अच्छा लगता था उसको फील करके अपने तो अपने होते हैं बोस गाते थे और मतलब हमारे लिए तो बोस ही सब कुछ थे हम बोस के लिए भी उसको फील करते थे घर वालों के लिए भी फील करते थे तो मतलब कभी कभी तो मतलब वो इतने मतलब इमोशनल हो जाते थे कि रोना आ जाता था कभी कभी तो सर देखो कोचिंग तो हर जगह पे है मतलब कई अच्छी कोचिंग है लेकिन सी एल सी जैसी कोई कहीं पे भी माहौल नहीं मिल सकता कोई सी भी कोचिंग में चले जाओ आप सी एल सी से बढ़िया आप मतलब हम मेहनत कर सकते हैं ना सबसे बड़ी चीज़ मेहनत ही होती है और जब तक मतलब मेहनत तो सी एल सी के अलावा सी एल सी से बढ़िया मेहनत कोई नहीं करवा सकता पढ़ाते तो सभी हैं लेकिन मेहनत सी अच्छी से बढ़िया कोई नहीं करवा सकता है तो कहीं पे भी देख लो आप नहीं करवा सकते कोई भी मतलब हॉस्टल में हमारी इतनी केयर करते हैं कहीं मतलब वो वार्डन वार्डन ऐसे रखते हैं जैसे कोई मतलब मतलब खुद के हमको वार्डन को भी मतलब ऐसे थोड़ी मतलब उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए और मतलब वार्डन ही हमारे लिए सब कुछ है वार्डन ही हमारे मतलब इतनी केयर करते हैं वही हमारे लिए पेरेंट्स है सब कुछ वार्डन ही है मेरे कई फ्रेंड्स हैं जिनके मतलब अच्छे मार्क्स थे वो कुछ मार्क्स मतलब थोड़े बहुत मार्क्स से रह गए मतलब अब उनको मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि वो इस मतलब अब सेलेक्ट नहीं होना अब अच्छे कॉलेज में पहुंचना है मतलब उनको मतलब इस साल रह गए मतलब चलो नंबर आ जाते थोड़े बहुत तो भी वो सेलेक्ट ही होते अच्छे कॉलेज में नहीं पहुंच पाते उन उनको बुरा लगता है लेकिन चल अच्छे कॉलेज में अब इस साल अच्छे कॉलेज में पहुंच जाएंगे वो अब इस साल सेलेक्ट हो जाते हैं तो अच्छा कॉलेज नहीं मिलता फिर उसमें मतलब हमको पूरी लाइफ निकालनी है उसी कॉलेज में फिर अब ये अच्छे कॉलेज में पहुंच जाएंगे इस साल तो उनको यही करना चाहिए कि वो सेलेक्शन की नहीं सोचे और अच्छे कॉलेज की सोचे जैसे कि बोस बोस बोल रहे हैं कि हमको दो की रैंक में दो बच्चे लाने हैं दो में लाना ही है मतलब उनको मतलब खुद को बहुत से ज़्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ हमको लाना ही है दो मतलब अंडर दो हज़ार के रैंक में तो उनको लाना ही है मतलब सर एक सेंटेंस याद रहता है बाकी सब सपने होते हैं अपने तो अपने ही होते हैं